जी हाँ सरकार, मैं समझ गया। नमस्कार। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, तुमने नीलकंठ से फिर झगड़ा कर लिया। मैंने तो कोई झगड़ा नहीं किया। आपने ही तो उससे कहा था कि किरण के लिए हार बनवाने के वास्ते वो रुपए मुझे दे दे ताकि मैं अपनी पसंद का हार बनवा सकूं। तो फिर कहता है मैं जैसा कहूं वैसा हार तो वो बनवा देगा लेकिन रुपए मुझे नहीं देगा। तब क्या गलत कहता है वो? माफ कीजिए पिताजी, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था जब आपने किरण के लिए पायल बनवाई थी। अगर उसने बेईमानी न की होती तो क्या वो पायल इतनी जल्दी टूट जाती? देखो बनवारी, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो बेईमानी करेगा कैसे? सुनार से हिस्सा लेता होगा और क्या। चुप रहो। एक वफादार और ईमानदार मुनीम पर तोहमत लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ठीक है, मान लिया वो पायल टूट गई होगी, लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि वो पायल बहू को बहुत पसंद आई थी। आई होगी, वो तो कुछ भी पाकर खुश हो जाती है। अच्छा अच्छा चुप रहो, मैं नीलकंठ को बुला करके तुम दोनों के झगड़े निपटा देता हूँ। रामचरण, जाओ नीलकंठ को बुला कर लाओ। अच्छा मालिक। ठहरो, निगाली उठाना तुम्हारा काम नहीं है। रामचरण, रामचरण। बनवारी, लगता है पहलवानी करते करते तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो गया है। न जाने कौन सी घड़ी थी कि हल्दर परिवार में मनोहर लाल के बड़े बेटे बनकर तुम पैदा हो गए। रत्ती भर भी जमींदाराना अंदाज नहीं है तुम में। अरे इन सब कामों के लिए तुम्हारे बाप ने दर्जनों नौकर छोड़ रखे हैं। उन सब पर तो हुक्म चलाओगे नहीं, बस दिन रात वो नीलकंठ से लड़ते रहते हैं। जी बड़े मालिक। देखो नीलकंठ जी, इसका काम निपटा दो जाकर तुम जल्दी से। मालिक मैं तो कब का निपटा चुका होता, पर मुझे रुपए चाहिए हार बनवाने के लिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। चुप रहो। देखो नीलकंठ जी, तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। जी मालिक। बनवारी, जाओ चुपचाप यहां से जाओ। मधु, मधु, अरे ओ मधु। आया मालिक। क्यों बे, इतना बड़ा नवाब हो गया कि बुलवाने पर आता भी नहीं है, है? सोचा था बचकर भाग जाएगा, पर अब और बढ़ा कर लूंगा और पीट कर रख दूंगा ऊपर से। मालिक जब आपने बुलवाया था तो सब मछुआरों को ढूंढ रहा था मैं। इस कर्जे में मैं अकेला तो नहीं था, धंधा भी नहीं है। माफ कर देना मालिक। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तूने अगर कल शाम तक रुपए नहीं दिए तो तेरा झोपड़ा और ये जाल फाल सब फेंकवा दूंगा, समझा? जा यहां से। राम राम छोटे मालिक, शिकार से आ रहे हैं? हाँ, हार बनवाने के लिए रुपए कब दोगे? अरे क्या कीजिएगा रुपयों का, आप तो मुझे उसका नाप जोख और नमूना बता दीजिए, मैं बनवा देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करेंगे? मुझे रुपए चाहिए, मुझे अपनी मर्जी का हार बनवाना है। आपकी मर्जी का ही बनवा देंगे? आपसे तो कोई भी सुनार ज्यादा पैसे लेकर गलत सलत चीज दे सकता है। मैंने कहा ना, मुझे रुपए चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानता, बस। क्या है? तुमने मुझसे एक दिन कहा था बनवारी मालिक की घरवाली तुम्हें बहुत चाहती है। हाँ, तो उनके जरिए तुम चाहो तो इस कर्जे से हमारा छुटकारा हो सकता है। समझ गई। मेरी अणु परमाणु, तुम कहाँ गायब रहती हो दिन भर घर की भीड़ भाड़ में? आप भी तो दिन भर नजर नहीं आते, कभी शिकार तो कभी कुश्ती और कभी ऐसी ही प्यार भरी तकरार। चलो हटो जी। और हाँ, अब और अधिक साड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं। क्या करूँगी इतनी साड़ियों का? ये बताओ, कल वाली साड़ी कैसी लगी? बहुत 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 अच्छी। तुम्हें कभी कभी मामूली चीज भी अच्छी लगने लगती है, और कभी कभी अच्छी से अच्छी चीज भी ला कर दो तो तुच्छ नजर आने लगती है। पाँव पड़ती हूँ मालकिन, हमें बचा लो, नहीं तो आज रात मुनीम जी हमें बेघर कर देंगे। तो आई मालकिन, मदद करो। मैं क्या करूं बताओ, तुम तो जानती हो मैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आप छोटे मालिक से कहेंगी तो हम बच जाएंगे। नहीं,
मैं किसी से भी कुछ कहूंगी तो बात घूम फिर कर नीलकंठ चाचा तक पहुंचेगी। बेहतर होगा तुम मधु से कहो कि मालिक से मिल ले, शायद कुछ हो जाए। मैं अपने उनसे कहूंगी भी तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ छोटे मालिक, वो हार में मैं हार के लिए नहीं आया। फिर तुम मधु मछुआरे का कर्जा माफ करवा दो, बेचारा गरीब और लाचार है। क्यों? उससे सवाल मत करो, मैं जो कहता हूँ वो करो। पर छोटे मालिक, अगर हम मधु को माफ कर देंगे तो इस तिमाही के शुरू में बहुत सारा रुपया बाकी रह जाएगा और फिर दूसरे लोग भी उजर करना शुरू कर देंगे। वो सब मैं नहीं जानता, पर मुझे तो जानना होता है और आपके पिताजी को बताना भी होता है। उससे जबान लड़ाता है, नीच। नीच ना होता तो बड़े आदमी का आसरा क्यों लेता। तू चोर भी है। हाँ वो भी हूँ। भगवान जिसे अपना कुछ नहीं देता उसे दूसरों की चोरी करनी ही पड़ती है। मुझे बहस नहीं करनी, मुझे अपना फैसला बताओ। नमस्ते मुनीम जी। आइए वकील बाबू, मैं जरा वकील बाबू के साथ जरूरी बातें निपटा लूं। आप जरूर समझे तो फिर बुलवा लीजिएगा। ये हाँ ये देख लीजिए। क्यों, पिताजी से तुम तो बात कर ही सकते हो। ना बाबा ना, नीलकंठ के खिलाफ बोलने पिताजी के पास मैं नहीं जाने वाला। क्यों, वो तेरा बड़ा भाई है या मैं? क्या दादा, बड़े भाई तो आप ही हैं, लेकिन आपको तो पता है नीलकंठ की किसी भी बात में पिताजी कोई दखल नहीं देते, तो उसके खिलाफ बोलकर हम क्या कर पाएंगे भला। तो चाटते रहो ये किताबें, और पेट ना भरे तो नीलकंठ के तलवे चाटो जाकर। अरे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, है तो घर को नौकर। देखो बनवाली, एक तो मौके बिमौके तुम मेरा कान मत खाया करो, दूसरे मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि नीलकंठ के खिलाफ अगर तुम्हें कुछ बोलना हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिताजी, वो लगान की वसूली में भी बेईमानी करता है। चुप रहो, नीलकंठ क्या करता है क्या नहीं करता है इसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। एक बंसी है अपना, कितना अच्छा खासा पढ़ लिख रहा है, उसकी तो कोई झंझट नहीं है। कम से कम वो लड़का कुछ आदमी जैसा तो है। जाओ जाओ जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। खाना खाया तुमने? कैसे खा लेती, कहाँ घूम रहे थे अब तक? एक बार कम से कम घर में आकर खाना तो खा लिया करें, फिर कहीं भी रहे चिंता नहीं रहती। अरे उस नीच चोर नीलकंठ ने हमें अपने घर में बेगाना बना रखा है, कोई भी बेचारे गरीब मधु की मदद करने को तैयार नहीं। अब तो क्या जरूरत है उसकी मदद करने की, वो क्या लगता है अपना? और जो अपने लगते हैं वो कितने अपने हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्या हुआ भला, हमें भी तो बताइए। सुनो, बंशी मेरा भाई ही तो है, नीलकंठ के खिलाफ बोलने से मना कर दिया। पिताजी वो भी अपने हैं, नीलकंठ को मुझसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जैसे भी हो मैं मधु को बचाऊंगा। लो सुनो, आप भला उसे कैसे बचाइएगा? बचाऊंगा, अपनी बंदूक अपनी अंगूठी जो भी कुछ है सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन मधु को जरूर बचाऊंगा। मैं ये बेचना चाहता हूं और ये बंदूक। धन्यवाद। मालिक मालिक। क्या है रे स्वरूप? मेरे बापू को नीलकंठ ने कल रात से कचहरी में बंद कर रखा है मालिक। ये साला नीलकंठ, इसकी इतनी मजाल, तू जाकर थाने में खबर कर दे। नहीं मालिक, थाने में नीलकंठ के खिलाफ। तू जा तो सही, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं मालिक। देख तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, फिर तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हक जी, गिरफ्तार कीजिए। चलो रस्सी बांधो। चलो ले चलो।
अरे रो क्यों रही हो, क्या बात है? आपने सुना, पिताजी ने अपने एक नौकर से कहवा भेजा है कि आप उनके सामने कभी न पड़े। आराम, ये कैसा नसीब है, घर का बड़ा लड़का और उसके अपने पिता से ही बातचीत बंद। सुना तो मैंने भी है, लेकिन किया क्या है मैंने? लो सुनो, नीलकंठ को जेल भिजवाकर और अपने ही कारिंदों को सजा दिलवाकर आप कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। अरे स्वामी, आपकी वजह से जो खर्च, अपमान और परेशानियां उन्हें मिली हैं, उन्हें आप उन्हें नुकसान नहीं समझते? ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस खानदान में। एक मामूली मछुआरे के कारण आपने अपने पिता को ये कहने पर मजबूर किया। तो तुम भी मुझे गलत समझती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे बच्चा ना होने पर अगर आप दूसरी शादी कर लेते तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहती, क्योंकि ऐसा आप खानदान की इज्जत बचाने के लिए करते। मगर खानदान की नाक कटवाने पर क्या मैं खुश होंगी? क्यों रे, जेल से छुटकर आने के बाद भी तू बाज नहीं आया? मधु कहाँ है? मैंने उसका कर्जा भी चुका दिया। मैं क्या जानूं छोटे मालिक, आपने तो थाने में मेरी जाति की शिकायत भी कर रखी है। अब अगर वो खुद ही गांव छोड़कर चला गया तो मैं क्या जानूं? अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन ये जो अफवाह सुनने में आ रही है। कैसी अफवाह? यही कि मधु को उसके बाल बच्चों के साथ अमावस की रात को काली पर बलि चढ़ाकर और उनकी लाशों को थैलों में भरकर गंगा की मझधार में डुबो दिया गया है। लोगों का क्या है, किसी के अचानक गायब हो जाने पर लोग न जाने ऐसी कितनी बातें करते हैं। क्या उन सब की जिम्मेदारी मेरी है? नीलकंठ, अगर इस अफवाह में जरा सी भी सच्चाई हुई तो याद रखना ये सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। सुना, कैसी होशियारी गांठ रहे हैं। लेकिन तुम लोग ध्यान रखो, मधु को मैंने काशी भिजवा दिया है, इस बात की जानकारी सिर्फ तुम ही लोगों को है। इसके अलावा अगर किसी को खबर हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं। भाभी, इस बार कॉलेज के इम्तिहान में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है और ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। तब तो भैया तुम्हें भी दोहरी बधाई। किस बात की? इधर तुम्हारी घरवाली को भी लड़का हुआ है। अच्छा, और वो दोनों ठीक तो हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। हम तो तुम्हें आज ही खबर भिजवाने वाले थे कि देखो संजोग से तुम अचानक आ गए। अच्छा अच्छा, जल्दी चलो तैयार हो लो, फिर खाना खाएंगे। हाँ, और वो भैया कैसे हैं? वो मधु के लिए उनका पागलपन कुछ कम हुआ या नहीं? हाँ, जब से मधु अचानक गायब हुआ है तब से तो ठीक ही है, पर आज भी मेरे मुँह से मधु के लिए कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तो फौरन भड़क उठते हैं। खैर ये बात छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारे बच्चे से तो मिला है ना। हाँ। चलो चलो जल्दी चलो। यहाँ नहीं, यहाँ उंगली रखते हैं। हाँ। अरे 8 साल के बच्चे के हाथ बंदूक दे दी खेलने, कहीं चल जाए तो। बेचारा बाप से खेलने लायक हुआ और बाप ही न रहा। अरे लेकिन इसमें कारतूस नहीं है, और क्या मैं इसके बाप के जैसा नहीं हूँ? मैंने इसके बाप को भी बचपन में दुलारा है, फिर तुम मुझे इसका दुश्मन क्यों मान बैठी हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तुम व्यवहार तो ऐसा ही दिखाती हो। इसका बाप जब कलकत्ते में दम तोड़ रहा था ना, मैंने दिन रात उसकी सेवा की है। उस समय इस पर प्यार लुटाने वाले और लोग कहाँ थे? अब सबका मुझसे डर लगता है। कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसा मत बोलिए ना, क्या सोचेगा ये? क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा। और अरे, गरीब आदमी को बचाने की कोशिश में अगर मैं इतना बेगाना हो गया हूँ, सबके लिए इतना बेकार हो गया हूँ, तो बाबू के मरने पर अम्मा ने क्रिया कर मुझसे क्यों कराया? कुल का दीपक तो यही है ना, इसी से कराती सब कुछ। बेटे तू उधर चल, तेरे ताऊ का मिजाज इस समय गरम है, बाद में खेल लेना इनके साथ। मनोहर लाल हालदर वल्द हीरा लाल हालदर ने यह वसीयत की है कि उनकी तमाम जायदाद उनके पोते हरिदास हालदर को मिलेगी, और इस वसीयत के एग्जीक्यूटर यानी देखरेख करने वाले नीलकंठ होंगे।
बनवारी हल्दर को 200 रुपए महीने के हिसाब से आजीवन खाना खर्चा मिलेगा। मैं नीलकंठ की पेंशन खाकर जिंदा नहीं रहूंगा। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने। ये घर छोड़कर तुम भी मेरे साथ चलो। अरे ये भी कोई बात है? ये तो आप ही के पिता की जायदाद है। पर मेरी तो नहीं है। पर आप ही तो कहते हैं कि हरिदास आपके बेटे जैसा है। कोई विश्वास नहीं करता मेरी बात पर। ये बात नहीं है। सच बात तो ये है कि सारी जायदाद उसके नाम लिख दी गई, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। क्यों? मान लीजिए बापू सब कुछ आप ही के नाम लिख गए होते तो आप तो उसे गरीबों पर लुटा देते। छोटे मालिक, तुम क्या है? छोटे मालिक, यहाँ की सारी चीजें अगर समझा देते तो मैं नोट कर लेता। नीलकंठ, ये मेरा कमरा है, किसी चीज को हाथ मत लगाना। इसी वक्त निकलो मेरे कमरे से। छोटे मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? मालिक के वसीयत नामे के मुताबिक तो मुझे सब कुछ समझ लेना होगा ना। और फिर ये सारा साजो सामान तो हरिदास का है। सुनिए, हरिदास क्या पराया है? और फिर नीलकंठ चाचा भी तो भरोसे के ही है ना। तभी तो पिताजी ने संपत्ति की देखभाल का काम इनके सुपुर्द किया। ठीक है, ये नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। जब बाप के जीते जी इस नीच के आगे मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, तो अब तो तुम लोग किसी दिन मुझे घर से ही निकाल दोगे। मैं भी देखता हूँ कैसे संभालता संपत्ति। छोटे मालिक, अगर इजाजत हो तो कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बात? और मुझसे? जी वो बड़े मालिक के श्राद्ध के बारे में। सो मैं क्या जानूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ही तो श्राद्ध के अधिकारी हैं। आह, क्या कहने हैं अधिकार के? श्राद्ध का अधिकार? दुनिया में सिर्फ इतने के लिए ही मेरी जरूरत है, और तो मैं किसी काम का हूँ नहीं। नहीं छोटे मालिक, मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। जाओ अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। ताऊ जी। हाँ बेटे। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ? मैं भी साथ चलूंगा। बासों के झुरमुट में गए थे? हाँ, गया क्यों नहीं था? देखा आप घबरा कर भाग रहे हैं, तो क्या हुआ? यही जानने गया था। क्या बोलोगे? मेरे रुमाल में बंधे कागज तुमने लिए हैं? नहीं। झूठ बोलते हो। मैंने कुछ नहीं लिया मालिक, लेकिन था क्या? आप बताए तो मैं ढूंढवाऊं। कुछ भी था तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ?
आपका क्या खो गया है बताओ तो? अगर मैं ला दूं तो आप मुझे क्या दोगे? मेरे पास जो भी कुछ है सब वो तुझे दे दूंगा। आप यही ढूंढ रहे थे क्या? मैंने तो ये रुमाल आपसे कई बार मांगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मत दे। बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? मुझे आपका यही रुमाल चाहिए। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? उतार दीजिए, गिरा देंगे उसे आप। अब मुझसे मत डरना, मैं इसे कभी नहीं गिराऊंगा। ये लो, हरिदास की दौलत के प्रमाण पत्र हैं, ध्यान से रखना। ये आपको कहाँ मिले? मैंने चोरी की थी, बाबू के बक्से में से निकाल लिए थे, क्योंकि इन पर मेरी नीयत खराब हो गई थी। बेटा, अब तुझे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। प्रिय किरण, मैं नौकरी ढूंढने बाहर जा रहा हूं, तुम हरिदास का ख्याल रखना और अपना भी। तुम्हारा मनवारी।